अस्सलाम वालेकुम। डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। आज के दिन हमने मार्केट में देखा कि एक्टिविटीज़ काफ़ी डल रही, हालांकि केसी 100 इंडेक्स जो है 177 पॉइंट पॉजिटिव नोट के ऊपर जो बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो है वो सुबह के दिन से ही डल थी और एट द एंड तक जो है वो डली रही। तो ओवरऑल 100 प्लस मिलियन शेयर्स का जो है काम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो इन्वेस्टर्स जो है थोड़े से उनको कंसर्न है। इस वक्त सारी नज़रें जो है वो सऊदी अरब के विज़िट के ऊपर है, जो आर्मी चीफ जो है विज़िट कर रहे हैं वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और 10 जनवरी तक ये जो है विज़िट जो है वो कंटिन्यू रहेगा और उसमें एक्सपेक्टेशन है कि शायद पाकिस्तान को जो 3 अरब डॉलर की एक डिपॉजिट करवाने की या बेल आउट पैकेज की बात हुई थी वो शायद पाकिस्तान को मिल जाए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो एक ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है कुछ टाइम के लिए शायद एक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी इकोनॉमिक वाइज, और थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान का एक मोमेंटम ओवरऑल मार्केट का इकोनॉमी के हवाले से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ख़ास तौर पर जिस तरह की खबरें हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, हमें पैसे देने ही है, वो इस तरह के मामला फ़िलहाल कुछ दिन के लिए जो है वो रुक जाएंगे। तो ओवरऑल इसके ऊपर नज़रें हैं और सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद डिपेंड करती हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंड इवेंट है वो 23 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, और उसमें भी डिफरेंट खबरें ये आ रही हैं कि शायद जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट फर्दर और यहाँ से इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अगर जनरल इन्फ्लेशन की बात करें तो मंथ और मंथ इंक्रीज़ हुई है, और इसके अलावा अगर हम कोर की भी बात करें तो कोर जो है वो स्टेबल ही है, ऐसा जिसमें कोई खास डिक्लाइन देखा नहीं गया। इसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम अभी भी जो है वो डिले हुआ हुआ है, अभी भी रुका हुआ है, उसकी जो शर्तें हैं उसके ऊपर अभी भी जो है वो जब तक अमल दरामद नहीं हो जाता तो इस तरह की कोई जो है वहाँ से कुछ पैसे मिलना या उनसे कोई कोई जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आना जो है इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल जिन स्टॉक्स के अंदर आज सबसे ज़्यादा गेन किया वो साइड आइटम्स ही थे। पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि साइड आइटम या जो डिफॉल्टर सेगमेंट के अंदर कंपनीज उनमें जो है गेन नज़र आ रहा है प्राइस के अंदर, और वही जो ज़्यादातर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा टॉपिक वॉल्यूम वाइज बात करें तो आज के इलेक्ट्रिक जो है वो वॉल्यूम लीडर रहा है, इसके बाद सेनर्जी, BIPL ये वो स्टॉक्स थे जिनमें सबसे ज़्यादा जो है ओवरऑल काम हुआ है। नेक्स्ट कल के लिए यही है, दर से बात है वीकेंड है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है इसी तरह रहेंगी और डल वॉल्यूम जो है हम देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ रात में या इस तरह की कोई चीज़ आती है तो जो है थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ खुल सकती है, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल जो है वो कल भी एक्सपेक्टेड यही है कि डल एक्टिविटीज़ रहेंगी और लोग शायद मंडे तक का वेट करेंगे और उसके बाद जो है कोई पोजीशन लेंगे। थैंक यू।